Welcome to the channel and a video on CAT Quant question of the day SQ009। और इस question में आप क्या देखेंगे, इस question में देखेंगे कि permutation combination के concept को कैसे twist किया जा सकता है। मेरा बच्चा, I hope you are liking the series। इसमें हमें दिया हुआ है how many of the five digit number each greater than 10,000 having different digit are there with all digit in ascending or descending order। ये चीज नोट करने वाली है भाई कि वो या तो ascending में होने चाहिए या descending में होने चाहिए और सभी different भी होने चाहिए, सभी different, तभी तो ascending descending होगा, क्योंकि अगर same हो जाएंगे तो थोड़ा question complex हो जाएगा। और ये 5 digit चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये question को मजा आएगा करने में, कोई बात नहीं। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी पीएनसी का नंबर ग्रेटर स्मॉलर आता है, एक भाई हमारा है जो है जीरो, ये बड़ा खेला करता है। क्यों? क्योंकि ये जीरो के चक्कर में हमारे केस काउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले देखो यार कि जब मेरे नंबर असेंडिंग में होंगे, तो असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में जब नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे जीरो नहीं आ सकता। और अगर यहां जीरो नहीं आएगा असेंडिंग में, तो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर हो गई कि मेरा जो असेंडिंग में जब जाएंगे, असेंडिंग में स्टार्टिंग जीरो से नहीं हो सकती। तो असेंडिंग वाले नंबर काउंट कर लो बेटा, असेंडिंग वाले नंबर कैसे काउंट करेंगे, असेंडिंग में यहां क्या क्या आ सकते हैं, जीरो को छोड़ के सब कुछ आ सकते हैं। कितने नंबर आ गए, ये आ गए आपके 9, राइट, 9 नंबर आ सकते हैं यहां पे, राइट। और फिर उसके बाद 8, 7, 6, 5 ये नंबर आ गए। बट कोई भी जब हम नंबर ले लेंगे, उसमें आपको पता है कि भाई सभी नंबर नहीं लेने हैं, ये असेंडिंग में होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो नंबर लूंगा जो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इसके नीचे 5, 4, 3, 2, 1 आएगा और इसको फिर हम कट कर देंगे टू गेट 126। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये 126 कैसे आया, क्या आया। इसके पहले थोड़ा समझ लीजिए कि भाई असेंडिंग में लगाना है। ठीक है, मान लो हमने जीरो को लेना ही नहीं है, जीरो का खेल ही खत्म कर दिया, जीरो को बाद में देखेंगे, जीरो को ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो आएगा या तो स्टार्टिंग पे आएगा, स्टार्टिंग पे आ नहीं सकता, एंड में आएगा, उसको बाद में देखेंगे। अब जीरो नहीं आ रहा है मेरा, मैंने 9 में से 5 नंबर चूज कर लिए, 9C5 कितना होता है, इतना होता है, राइट। तो इन नंबरों को मैंने सी क्यों लिया, क्योंकि उनको मैं किसी और फॉर्मेट में नहीं अरेंज कर सकता, सिर्फ एक फॉर्मेट में अरेंज कर सकता हूं, वो है असेंडिंग। डिसेंडिंग भी ले लेते हैं, इनटू 2 कर दो, तो भाई मेरा आंसर आ गया 256। इसमें से नॉन जीरो नंबर ले लिए, सब नंबर ले लिए, या तो वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, बट जीरो वाला केस फिर रह गया। जब हम जीरो वाला केस लेंगे, वो डिसेंडिंग में ही आएगा, वो कब आएगा, तो 256 हम यहां रख लेते हैं कि 256 केसेस विदाउट जीरो, विदाउट जीरो 256 केसेस होंगे। जब जीरो लेंगे तो जीरो सिर्फ डिसेंडिंग में आएगा और आएगा भी लास्ट पे। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, 4 केस बच गए मेरे, 4 में हम लगाएंगे 9C4, 9C4 भी 126 होता है, क्योंकि ये 9C5 के बराबर होता है, तो मेरा पहले कितना था 256, दोनों को भाई ऐड कर दो, राइट, 252 आएगा बेटा, सॉरी 252, दोनों को ऐड किया, ये हो गया 378, दैट्स इट, आंसर 378 आंसर आ गया। आई होप यू एंजॉयड, पीएनसी के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और हमारा जो चैनल पे 10 वीडियो होंगी कम से कम पीएनसी की, लगाना नहीं भूलिएगा, एंड फिर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप यू विल एंजॉय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीरीज ऑफ कैट क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू।